सारी की सारी जो दिक्कत है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी जितने शेयर कह रही है कि भाई इतने शेयर खरीद लो, लेकिन जनता कुछ ज़्यादा ही। हाँ जी सर जी, वो आप एक बार वो सब्सक्राइब कैपिटल बता दीजिए, मैं कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे कि आप 10,000 शेयर खरीद लीजिए, लेकिन पब्लिक ने मान लो 8,000 शेयर खरीदे, तो जितने पब्लिक शेयर खरीदती है वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। वो 8 भी खरीद सकती है, वो 10 भी खरीद सकती है, वो 12 भी खरीद सकती है, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक जितने शेयर खरीदती है उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, कंपनी जितने इशू करती है उसको इशू कैपिटल कहते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जितने इशू कर सकती है वो ऑथराइज कैपिटल होती है। हमें बात करनी है, मैंने आपको बोला कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो सुरभि जी किस एंट्री के अंदर चेंज आएगा? अलाउटमेंट की या फर्स्ट कॉल की? ना अलाउटमेंट ना फर्स्ट कॉल की, तो फिर किस में आएगा? अलाउटमेंट की। और अगर मैं घर आ गया ना, तो ना तुम रहोगी। हाँ अभी आपने बोला ना अलाउटमेंट की आएगी ना कॉल में आएगी, तो फिर अलाउटमेंट में क्यों आ रही है? अलाउटमेंट में आएगी। मेरा क्वेश्चन क्या है, कल मैंने क्या बोला आपको कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का चेंज होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, प्रीति कौन सी एंट्री में चेंज आएगा? सर अलाउटमेंट में चेंज आएगा, तनीषा कौन सी एंट्री में चेंज आएगा? एप्लीकेशन अक्षिता कौन सी एंट्री में चेंज आएगा? अब कह रही है ना, एप्लीकेशन में सर। अलाउटमेंट की प्रीति जी कौन सी एंट्री में चेंज आता है, हमें भी बताइए जरा। और सुरभि जी कौन सी चेंज आएगा, क्या एंट्री करोगे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है अलाउटमेंट की? कल मैंने आपको तीन एंट्रियां समझाई थी कि अगर अलाउटमेंट का केस है तो भाई रिजेक्ट हो सकता है, प्रोराटा हो सकता है, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा हो सकता है, और तीनों की एंट्रियां भी लिखवाई थी। तो वो एंट्री सुरभि जी हमने एप्लीकेशन के लिए सीखी थी या अलाउटमेंट के लिए सीखी थी? सुरभि जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं नहीं बता रही, सर मैं नहीं बता रही हूँ। प्रीति जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, सर एप्लीकेशन के लिए सीखी थी, अलाउंसमेंट के लिए नहीं। बेटा कल हमने चीख चीख के ये समझाया बार बार कि भाई एप्लीकेशन पे चेंज आएगा, एप्लीकेशन पे, और किसी एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, सारी की सारी एंट्रियां वैसी होंगी जैसी होती हैं। अब पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, और इस टॉपिक के अंदर मुझे करना क्या है? देखिए मान लीजिए एक शेयर बेटा 10 रुपये का है, पैसे ना ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ऐसे ऐसे पैसे आ रहे हैं। एक लड़की है जिसका नाम अक्षिता है। अक्षिता जो है ना, उस कंपनी के 100 शेयर खरीदना चाह रही थी। 100 शेयर के लिए अक्षिता ने अप्लाई किया किसी भी कंपनी के, मान लीजिए, लेकिन उस कंपनी की वैल्यू गुड बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो अक्षिता खरीदना तो 100 चाह रही थी, 100 के लिए अक्षिता ने अप्लाई किया है, लेकिन क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो मैंने बोला, कंपनी ने क्या बोला अक्षिता को, 100 तो नहीं मिलेंगे जी, 70 शेयर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया प्रोराटा में क्या होता है, जिसने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको कम शेयर देते हैं जी। अक्षिता ने अप्लाई किया है 100 के लिए, मिले कितने इसको, इशू कितने हुए, इशू हुए इसको बेटा 70। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप सुनेंगे दिमाग की बत्ती जला के। अक्षिता ने 100 शेयर खरीदना चाहती थी, अक्षिता 100 शेयर खरीदना चाहती थी, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपये की, अलाउटमेंट कितने की है, 3 रुपये की, फर्स्ट कॉल कितने की है, या फाइनल भी कह सकते हो क्योंकि एक ही कॉल है, वो है 5 रुपये की। अक्षिता 100 शेयर खरीदना चाहती थी, एप्लीकेशन 2 रुपये की थी, तो अक्षिता ने तो अपने हिसाब से
कंपनी को 200 रुपये दे दिए होंगे कि भाई मैं तो 100 शेयर खरीदना चाहती हूँ, और जितने रुपए की एप्लीकेशन होती है, जो बंदा जितने भी शेयर खरीदना चाहता है उसको एप्लीकेशन के पैसे देने पड़ते हैं। तो अक्षिता ने तो अपने 100 शेयर के हिसाब से 2 रुपये कंपनी को दे दिए कि ले भाई मेरे 200 रुपये और मेरे को 100 शेयर दे दियो। लेकिन कंपनी में तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस चल रहा है, इसने तो दे दिए 200 रुपये, लेकिन कंपनी ने इसको कितने शेयर दिए? कंपनी ने तो इसको केवल 70 शेयर दिए हैं। तो 70 शेयर के हिसाब से 70 × 2, 70 × 2 ये होते हैं 140। इसको केवल 70 शेयर मिले, इसको देने कितने चाहिए थे? देने कितने चाहिए? देने कितने चाहिए अक्षिता को? भाई जब मिले ही 70 हैं तो 70 × 2, देने तो 140 चाहिए थे। लेकिन अक्षिता ने तो अपने 100 शेयर के हिसाब से 2 रुपये पहले 200 रुपये दे रखे हैं। मिले अक्षिता 200 रुपये के शेयर खरीदना चाहती थी, लेकिन मिले अक्षिता को केवल 140 रुपये के शेयर। तो जो 60 रुपये हैं, 60 रुपये, 60 रुपये को हम क्या बोलते हैं? 60 रुपये को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सिस मनी। क्या बोलते हैं? एक्सिस मनी। ये 60 रुपये किसके हैं? ये 60 रुपये अक्षिता के हैं, अक्षिता के। और किसके पास हैं? ये कंपनी के पास हैं। अक्षिता के 60 रुपये फालतू चले गए ना भाई। अक्षिता ने 200 रुपये दिए थे, मेरे को 200 रुपये के शेयर दे दो 100 शेयर, लेकिन कंपनी ने उसको केवल 140 रुपये के शेयर दिए 70 × 2। तो 60 रुपये अक्षिता के फालतू गए हुए हैं, और वो 60 रुपये किसके पास हैं? वो 60 रुपये कंपनी के पास हैं। तो कायदे में तो क्या होना चाहिए? कायदे में तो ये होना चाहिए कि भाई अक्षिता को जब मिले ही 140 रुपये के शेयर हैं, तो जो 60 रुपये फालतू पड़े हुए हैं कंपनी के पास, अक्षिता का ये राइट बनता है कि भाई मेरा पैसा वापस करो। जब मेरे को शेयर नहीं दे रहे तो मेरा पैसा वापस दो, मेरे पैसे का क्या करोगे? कायदे में तो यही होना चाहिए। लेकिन कंपनी क्या कहती है? देखिए अक्षिता जी, बात ऐसी है, घर जैसी है। ये जो आपकी जो मनी है ना, इसको कहते हैं एक्सिस मनी। कंपनी कहती है, देखिए अक्षिता जी, आपके 60 रुपये हमारे पास पड़े हुए हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपका पैसा खा नहीं रहे हैं। आप ये किस चीज़ की हुई है? ये हुई है बात एप्लीकेशन की। कंपनी कहती है, आप ये हमसे पैसा वापस लेके क्या करोगे? अभी 1-2 महीने बाद आपको अलाउटमेंट के पैसे देने हैं। अलाउटमेंट के कितने हैं? 3 रुपये। अक्षिता को कितने शेयर मिले? 70। 70 × 3, 70 × 3 अलाउटमेंट के कितने पैसे देने अक्षिता को? अलाउटमेंट के कितने पैसे देने अक्षिता को? 70 × 3 अक्षिता को 210 रुपये देने हैं। कब देने हैं? अलाउटमेंट के टाइम पे। कंपनी क्या कहती है, देखिए अक्षिता जी, आपको 1-2 महीने बाद अलाउटमेंट के पैसे तो देने ही हैं 210 रुपये। तो हम क्या करेंगे? आपको 210 रुपये देने हैं। ये जो आपके 60 रुपये, ये जो एक्सिस मनी पड़े हुए हैं ना, मैं इसको आपके अलाउटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगी। आपको वैसे तो देने 210 रुपये हैं, मैं 60 रुपये इसमें यहाँ से घटा देती हूँ। आप हमें अलाउटमेंट पे केवल 150 रुपये दे देना, आपका अलाउटमेंट का काम पूरा हो जाएगा। इट्स कॉल्ड एक्सिस मनी एडजस्टेड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एक्सिस मनी का एडजस्ट होना। बात तो पूरी हो गई ना? अक्षिता के जो पैसे फालतू पड़े हुए थे 60 रुपये, भाई अलाउटमेंट पे तो उसको देने ही है, सिंपल सी बात है। तो अलाउटमेंट पे दे दिए, 210 देने थे, लेकिन 60 रुपये अक्षिता के फालतू पड़े हुए थे वो घटा दिए, 150 रुपये अक्षिता और दे देगी अलाउटमेंट पे, तो अक्षिता का अलाउटमेंट का कोटा पूरा हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं एक्सिस मनी। अक्षिता, इतनी बात समझ में आ रही है? जी सर। प्रीति जी, क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब जरा दिमाग की बत्ती को खोलेंगे और मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा नोट। क्या नोट हम लिख रहे हैं? एक्सिस मनी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक्सिस मनी केवल अलाउटमेंट तक एडजस्ट होती है। एक्सिस मनी केवल अलाउटमेंट तक एडजस्ट होती है, एडजस्ट होती है जब तक क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन में
स्पेशली कॉल का ना कहा गया हो, ना कहा गया हो। इसका मतलब क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब क्या होता है। देखिए अभी जो मैंने ऊपर आपको सिनेरियो समझाया उसके हिसाब से अक्षिता की एक्सिस मनी कितनी थी बेटा, उसके हिसाब से अक्षिता की जो एक्सिस मनी थी वो थी बेटा 60 रुपये। अक्षिता को अलाउटमेंट पे कितने देने थे, अक्षिता को अलाउटमेंट पे देने थे 210 रुपये। ठीक है, लेकिन बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अक्षिता की एक्सिस मनी 60 थी, अक्षिता को अलाउटमेंट पे 210 देने थे, तो भाई ये चीज़ पूरी एडजस्ट हो गई, 150 रुपये अक्षिता और दे देगी, बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी, पूरी एडजस्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। लेकिन अगर बेटा ये जो एक्सिस मनी है ये 60 ना होकर अगर 600 रुपये होती और अक्षिता को अलाउटमेंट पे 210 रुपये देने होते, 210 रुपये, अब क्या होता बेटा, उस मान लीजिए अक्षिता ने कंपनी को 600 रुपये उसका एक्सिस मनी निकल लिया है, अलाउटमेंट पे उसको पैसे देने हैं 210 रुपये, या चलो मैं आपके लिए इसको इजी कर देता हूँ, अलाउटमेंट पे उसको पैसे देने हैं, मान लीजिए अलाउटमेंट के उसके पैसे बन रहे हैं 400 रुपये। अब क्या हुआ, 600 रुपये उसके थे फालतू पड़े हुए, अलाउटमेंट पे टोटल 400 देने हैं उसको, तो बेटा अलाउटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी फिर भी अक्षिता के 200 रुपये फालतू पड़े रहेंगे। ये क्या है, ये और एक्सिस मनी, ये क्या है, ये एक्सिस मनी अभी भी फालतू की है, ये एक्सिस मनी अभी भी फालतू है, ये मैंने क्या करा, ये मैंने तो एडजस्ट कर दिए पैसे। ऊपर वाले केस में क्या है बेटा, इस वाले में एक्सिस मनी कम है और अलाउटमेंट पे पैसे ज़्यादा लेने हैं, तो पूरी एडजस्ट हो गई, उल्टा कंपनी को और पैसे लेने हैं, इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बेटा अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए कि भाई एक्सिस मनी तो ज़्यादा है और अलाउटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, अब इस पैसे का क्या करें, तो वो जो मैंने ऊपर नोट लिखवाया है ना, नोट मैंने लिखा एक्सिस मनी केवल अलाउटमेंट तक एडजस्ट होती है जब तक क्वेश्चन में स्पेशली कॉल का ना कहा जाए। आपको बेटा क्वेश्चन में स्पेशली बताया जाएगा कि जो एक्सिस मनी है ना प्रोराटा के अंदर, जो एक्सिस मनी है प्रोराटा के अंदर जो हो रहा है उसको कहाँ तक एडजस्ट करना है। एक्सिस मनी जो है बेटा वो केवल अलाउटमेंट तक ही एडजस्ट होती है, मतलब ये जो इसके 600 रुपये फालतू पड़े हुए हैं, अलाउटमेंट पे जितना लेना है आप उतना एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद जो पैसा बचा अगर बच रहा है तो ये पैसा बेटा रिफंड करना पड़ेगा। अगर एक्सिस मनी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अलाउटमेंट तक ही एडजस्ट होगी, लेकिन ये पैसा मुझे रिफंड करना पड़ेगा इफ एक्सिस मनी एडजस्ट ओनली ऑन अलाउटमेंट। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया या ना भी बोला गया, क्वेश्चन साइलेंट है या स्पेशली बताया गया है, एक्सिस मनी बेटा अलाउटमेंट तक ही एडजस्ट होती है, एडजस्ट होने के बाद भी अगर पैसे बच रहे हैं तो कंपनी को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे अक्षिता को। लेकिन अगर बेटा क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सिस मनी है ना वो आप कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ है स्पेशली, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेशली कि आप कॉल का पैसा, आप एक्सिस मनी कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अक्षिता के 200 रुपये अभी भी एक्सिस पड़ा हुआ है बेटा, अभी भी इसके एक्सिस मनी अभी भी 200 रुपये पड़ी हुई है। कॉल कितने की है, कॉल जो है मेरे क्वेश्चन में 5 रुपये की है, 5 रुपये की। अक्षिता को कितने शेयर मिले हैं, 70 इंटू में 5 कितना होता है, 5×7=35, 350 रुपये लेने हैं कंपनी को, कितने लेने हैं 350, और 200 रुपये तो उसके ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं कंपनी कितने पैसे और ले लेगी, कंपनी पैसे ले लेगी 150 रुपये। तो ये मैंने क्या करा, जो 200 रुपये और फालतू के पड़े हुए थे इसको कहाँ पर एडजस्ट करा,
कॉल पर एडजस्ट करा, कॉल पे, तो 150 रुपये और ले लेगी। लेकिन एक्सिस मनी कॉल पे तब एडजस्ट होती है जब क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ हो कि आप एक्सिस मनी को कॉल तक लेकर जा सकते हो, अदरवाइज अलाउटमेंट तक ही होती है। अगर अलाउटमेंट के बाद पैसे बच रहे हैं तो वो पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ता है। तनीषा जी, इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर, एक चीज पूछनी है, जी एंट्री तो वही होगी ना जो हाँ, आपने एंट्री बताया वही होगी, एंट्रियों में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अमाउंट किस तरीके से फिलअप होगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। सुरभि, कुछ आ रहा है समझ में? क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या होता है ये ओवर सब्सक्रिप्शन और करना क्या है अब हमें यहाँ पे? देखिए बताया। देखिए जी, हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, वही कल वाला क्वेश्चन है। कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं वो करे हैं 10,000। कंपनी पब्लिक को कह रही है 10,000 शेयर खरीद लो, लेकिन अप्लाई जो हो गए ना वो हो गए 12,000। जनता कितने खरीदने के लिए तैयार है? जनता खरीदने के लिए तैयार है 12,000। तो भाई मुझे ये पता चल गया कि भाई अप्लाई जो है वो ग्रेटर देन है इशू से, तो मुझे पता चल गया भाई ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि अप्लाई ग्रेटर देन है इशू से। अब आपको क्वेश्चन में खुद बताएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में तो तीन केस होते हैं ना, कि इन 2,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, इन 2,000 का क्या करना है, रिजेक्ट करना है, प्रोराटा करना है, या रिजेक्ट प्लस प्रोराटा करना है, क्या करना है? तो हम पहले बात कर रहे हैं रिजेक्ट वाले केस की, और अभी मैं आपको पार का समझा रहा हूँ। 10 वाला शेयर 10 रुपये में जा रहा है, प्रीमियम में भी कुछ ऐसा खास नहीं है, बस सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। पैसे ऐसे ऐसे आ रहे हैं 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, अभी हम पार सीख रहे हैं। कंपनी क्या कह रही है देखिए, कंपनी ये कह रही है कि भाई सब कुछ आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 10,000 शेयर को जो है ना, 10,000 शेयर को 10,000 दे दीजिए, 10,000 शेयर को 10,000 दे दीजिए, ये हो गया आपका फुल्ली सब्सक्राइब्ड। और वो बोलेगा क्वेश्चन में जो 2,000 एक्सीज है ना उनको एक भी शेयर मत दो, उनको निल, उनको रिजेक्ट कर दीजिए और उनका पैसा रिफंड कर दीजिए, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बोली जाएगी। तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्सिस एक्सिस एप्लीकेशन है सबको रिजेक्ट कर दीजिए और उनका पैसा रिफंड कर दीजिए। तो आप समझ गए भाई ये तो केस वन है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ऐसे ही बनाना है जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इधर कितने हो गए 12,000, और इधर कितने हो गए, इधर हो गए 10,000। कंपनी ये कह रही है मैं तो सिर्फ, मैंने 10,000 बोला था तो मैं 10,000 ही दूंगी, तो 10,000 शेयर को 10,000 मिलेंगे, 10,000 से ऊपर जितने भी एप्लीकेशन है 10,000 एक से लेके 12,000 तक सबको रिजेक्ट कर दीजिए, एक भी शेयर नहीं मिलेगा, और उन्होंने जो 2 रुपये एप्लीकेशन के दिए उनका पैसा वापस कर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की एंट्री जो होगी चेंज होगी, चेंज कल वाली नहीं होगी, जो मतलब जो हमने तीन स्पेशल एंट्री बताई है वो एंट्री करनी है, जो नॉर्मल जो हमने पढ़ी है वो किसकी है, फुल्ली और अंडर की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले तो ये एंट्री होगी, और उसके बाद दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और मैंने आपको ये बोला किसका है, ये रिजेक्ट का केस है, तो जब रिजेक्ट का केस होता है तो भाई टू बैंक आता है यहाँ पे, कल ही सिखाया है, ये रिजेक्ट की एंट्री है, ये आ गई रिजेक्ट। अब यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना है बेटा, यहाँ पे अमाउंट किस तरीके से फिलअप होगा प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अलग है यहाँ पे भी अलग है। फुल्ली और अंडर में कोई चक्कर नहीं है, वो तो मैंने बता दिया, कोई भी केस ऑफ अप्लाई से मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। अच्छा अब जरा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बेटा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, सबसे पहले बेटा अप्लाई से मल्टीप्लाई होगा, कितने लोगों ने अप्लाई करा? अरे भाई सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन मनी कितने लोगों ने दी, 12,000 लोगों ने दी ना, 12,000 लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो 12,000 लोगों ने 2 रुपये दिए होंगे, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, 12,000 शेयर पे 2 रुपये आएंगे,
बारह दूनी 24, 24,000 रुपये आएंगे बैंक के अंदर। ठीक है जी, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी लिख दीजिए 24,000। यहाँ पे क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ दोनों का अमाउंट सेम होता है। अच्छा, ये तीनों फिगर सेम होती है हमेशा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तीनों कोई भी केस हो ये सेम ही होगा। अब आती है बात कैपिटल के कितने उसमें से, और ये बैंक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये बैंक रिप्रेजेंट करता है रिजेक्ट को, कितना पैसा वापस करना है। तो पहले यही कर लेते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितने शेयर रिजेक्ट हो गए। तो मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है 2000 को एक भी मिला, निल का मतलब होता है जीरो, इनको एक भी शेयर नहीं मिले तो इनका पैसा वापस करना है। तो भाई 2000 शेयर होल्डर ने 2 रुपये दिए होंगे तो उनके 4000 रुपये वापस कर दीजिए। और इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है हमने कितने शेयर इशू करे थे, तो हमने तो 10,000 शेयर इशू करे थे और कितने रुपए का, 2 रुपए का एप्लीकेशन थी, तो 10,000 इंटू में 2 यहाँ आ जाएगा 20,000। आप इसको बैलेंसिंग से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ 24,000 है ना, यहाँ 24 आ गया, मैंने रिजेक्ट का निकाल लिया कि रिजेक्ट में कितने पैसे आएंगे 4,000, तो डेबिट साइड और ये दोनों इसका जोड़ और इसका जोड़ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 24 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना आएगा 20,000। लेकिन आप ऐसे कीजिएगा, बैलेंसिंग से कोई भी काम नहीं करना। यहाँ पे आएगा 10,000 इंटू में 2 20,000। कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने कितने इशू करे थे। ये हो गई बेटा, ये हो गई आपकी किसकी एंट्री, रिजेक्ट की एंट्री एप्लीकेशन की। अब आती है अलाउटमेंट की बात, अलाउटमेंट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दूसरी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले जब एप्लीकेशन के अंदर हम अमाउंट फिलअप करते हैं, उसमें अप्लाई का खेल है सारा का सारा, हर डिजिट अप्लाई से मल्टीप्लाई होगी। इससे अप्लाई से करा मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अप्लाई एप्लीकेशन के बाद, चाहे अलाउटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, उसके बाद अप्लाई का कोई भी रोल नहीं है। अप्लाई का रोल ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर केवल एप्लीकेशन तक है, उसके बाद ख़त्म। अलाउटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, हर चीज़ की मल्टीप्लाई बेटा इसी से होगी, इशू से। अब अप्लाई का कोई सीन नहीं है, कर दीजिए। 3 रुपये की है अलाउटमेंट, 3 रुपये की, कितने शेयर हैं 10,000। तो भाई 10,000 इंटू में 3 कितना 30,000, और यहाँ पे आ गया 30,000, यहाँ पे आ गया 30,000, यहाँ पे आ गया 30,000। ये हो गई अलाउटमेंट की, और सेम एज इट इज़ कॉल की एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, ये आपने समझा कि अगर कंपनी किसको अडॉप्ट कर रही है, ये आपने समझा कंपनी अडॉप्ट कर रही है केस वन को, जिसका नाम है रिजेक्ट, कंपनी रिजेक्ट कर रही है, और 10 वाला शेयर 10 रुपये में जा रहा था। मैं आपको रिजेक्ट के अंदर पार प्रीमियम, प्रोराटा के अंदर पार प्रीमियम, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा के अंदर पार प्रीमियम, ये 6 केस हम करने वाले हैं। अभी आपने रिजेक्ट के अंदर पार सीखा है, यही क्वेश्चन है बेटा। लेकिन अब वो जो 10 वाला शेयर है ना, वो 12 रुपये में जा रहा है, 12 रुपये में, तो प्रीमियम का केस हो गया। और वो जो 2 रुपये प्रीमियम के हैं, वो जो 2 रुपये प्रीमियम के हैं, वो कैसे कैसे आ रहे हैं, पैसे ऐसे ऐसे आ रहे हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। आपको वो बताएगा कि 2 रुपये कहाँ पर आ रहे हैं, एप्लीकेशन पे, अलाउटमेंट पे, प्रीमियम का पैसा किस में इंक्लूड है। तो वो मैंने बोला कि भाई प्रीमियम के पैसे तो अलाउटमेंट पे आ रहे हैं, मतलब ये 3+2 है, 3 जो है अलाउटमेंट है और 2 रुपये प्रीमियम है। अगर प्रीमियम का केस है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, ऊपर वाला ही रिजेक्ट ही हो रहा है, सब कुछ यही है सारा सिनेरियो। किसी एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन सी एंट्री में चेंज होगा, ये वाली जो मैंने ये वाली करी है। अगर प्रीमियम का केस है बेटा, प्रीमियम का,
तो हमने पढ़ा है प्रीमियम में क्या एंट्री होगी, प्रीमियम में एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने बोला जहां भी प्रीमियम का पैसा आता है उसी एंट्री में टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं, बैंक वाली नहीं उसकी दूसरी वाली। और दूसरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करना है अलाउटमेंट पे, अब अप्लाई का कोई सीन नहीं है, इशू से मल्टीप्लाई होगा, इशू से। इशू कितने हैं, 10,000 हैं, 10,000 तो 10,000 इंटू में 5 कितना आएगा, 50,000। 50,000 रुपए आएंगे ना भाई, 10,000 शेयर हैं और अलाउटमेंट अब की बार कितने रुपए की है, 5 रुपए की। मुझे देखना है उसमें से कितने पैसे प्रीमियम के हैं और कितने पैसे कैपिटल के हैं। तो बेटा 10,000 शेयर हैं, कैपिटल का मतलब अलाउटमेंट कितने रुपए की है, 3 रुपए की है, तो 30,000 रुपये इधर। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का है, तो 10,000 इंटू में 2, 20,000। इस 50,000 में से कितने पैसे प्रीमियम के हैं और कितने पैसे कैपिटल के हैं, ब्रेकअप कराना है हमें इनका, तो करा दिया हमने। ठीक है जी, यहाँ कितने आएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलाउटमेंट पे कितना पैसा चढ़ा हुआ है, 50,000, तो यहाँ लगा दीजिए 50,000, 50,000। अगर प्रीमियम का केस है तो ये एंट्री होगी, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा एप्लीकेशन में, क्योंकि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे थोड़ी आ रहा है। अगर एप्लीकेशन पे आ रहा होता तो मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अगर एप्लीकेशन पे आ रहा होता तो मैं इस वाली एंट्री पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देता, क्योंकि मैंने आपको बोला जहाँ पे भी प्रीमियम का पैसा आता है उसी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते हैं और बैंक वाली में नहीं, उसको छोड़ के। अक्षिता जी, अभी आपने सीखा है रिजेक्ट के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला केस रिजेक्ट, और रिजेक्ट में पार में क्या होगा और प्रीमियम में क्या होगा, इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है। जी सर समझ में आ रही है, लेकिन प्री वो एक ऊपर एंट्री किया ना आपने, हाँ बोलो। वो ये एक बार अलाउटमेंट की कह रहे हो ना बेटा, पहले एप्लीकेशन पे अप्लाई से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन कितने लोगों पे भेजे, कितने लोग खरीदना चाहते हैं शेयर, कितने खरीदना चाहते हैं, तो ये 12,000। लेकिन कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है भाई मैं तो 10 ही दूंगी, मैं तो रिजेक्ट कर रही हूँ जितनी भी एक्सीज आई हैं, मेरे पास है ही नहीं शेयर, मैं दूंगा से तो मैं तो 10 ही दूंगी। तो बेटा अलाउड 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 शेयर कितने हुए, 10,000 ही तो हुए, तो इसलिए अप्लाई के बाद सारी, चाहे वो अलाउटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, सारे इसी से ही मल्टीप्लाई होते हैं इस वजह से। उसके बाद ऐप अप्लाई का चक्कर केवल ओवर सब्सक्रिप्शन में, केवल एप्लीकेशन तक ही है, चाहे तीनों में से कोई सा भी केस हो। अब हम जो इसका जड़ है, अब हम समझ रहे हैं दूसरा केस, प्रोराटा। प्रोराटा के अंदर जो है किस तरीके से क्वेश्चन होगा और किस तरीके से जनरल एंट्री जो है पास की जाएगी, ये आपको ज़रा समझना है जी। बट उससे पहले मैं आपको ज़रा पहले लिंक भेज रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अब जो रिजेक्ट वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रोराटा वाले केस में। अब जरा क्या हो रहा है, अब जरा ध्यान से सुनिए। अब ये हो रहा है कि भाई एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने शेयर जो इशू करे हैं ना, शेयर जो इशू करे हैं वो करे हैं 10,000, और अप्लाई कितने हो गए हैं, अप्लाई हो गए हैं 12,000। ठीक बाजी, तो भाई मुझे पता चल गया अप्लाई ज़्यादा हैं और इशू कम है, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो केस है ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अभी जो आपने पीछे सीखा वो सीखा रिजेक्ट वाला केस, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जा रही है और उनका पैसा उनके मुंह पे दे के मार दिया जा रहा है, क्या है अपना पैसा लीजिए और यहाँ से लेके रफा दफा हो जाइए। लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है, अरे रिजेक्ट नहीं कर रहे जी, शेयर सबको मिलेंगे,
भंडारा सबको मिलेगा, भले ही एक एक पूड़ी मिले लेकिन मिलेगी सबको। अब कंपनी ये कह रही है कि देखिए भाई बात ऐसी है, गड़ जैसी है, शेयर तो ज़्यादा हो चुके हैं। अब कंपनी अपना रही है ऑल्टरनेटिव टू को। कंपनी ये कह रही है कि जिन्होंने 7,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है ना, 7,000 वालों को, 7,000 वालों को 6,000 शेयर दे दीजिए। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। कंपनी ये कह रही है 7,000 को कितने दे दो, 7,000 को दे दो 6,000, और 5,000 को जो है वो दे दो 4,000। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है बेटा, मैंने आपको प्रोराटा में ये समझाया था कि जिस बंदे ने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा है उसको कम शेयर दे दो। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा 7 शेयर खरीदना चाहता है उसको 6 शेयर दे दो, जो 5 खरीदना चाहता है उसको 4 शेयर दे दो। इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोराटा हो रहा है, क्योंकि जो बंदा 7 शेयर खरीदना चाहता है उसको 6 शेयर मिल रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोराटा हो रहा है। जो 5 शेयर खरीदना चाहता है उसको 4 मिल रहे हैं। प्रोराटा एक एक जगह भी हो सकता है, प्रोराटा 2 जगह भी हो सकता है, प्रोराटा 3 जगह भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ प्रोराटा हो रहा है, अगर जिसने ज़्यादा के लिए अप्लाई करा है उसको कम मिलने हैं तो इसका मतलब है वहाँ प्रोराटा है। अगर यहाँ जिसने 7,000 के लिए अप्लाई किया था उसको 7,000 ही मिल जाए तो वो प्रोराटा नहीं है, वो तो फुल्ली हो गया, जैसे ऊपर वाला केस था, वो तो फुल्ली हो जाता। 7 के लिए 6, 5 के लिए 4, तो यहाँ दोनों जगह प्रोराटा हो रहा है। इधर कितना हो गया, इधर हो गया 12,000, और इधर कितना हो गया, इधर हो गया 10,000। तो कंपनी ने जो 2,000 एक्सिस एप्लीकेशन आई थी उसको किस तरीके से एडजस्ट किया, मना किसी को नहीं किया, बस सबको ये बोला देखिए जी आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो इतने तो नहीं दे सकते हम, कम कम ले लो क्योंकि सबको देना है प्रसाद। ये हो गई बात ऐसी। तो कंपनी ने अपने 10,000 शेयर को किस तरीके से अलॉट किया है इन 12,000 में, ये आप यहाँ समझिए। जो बस ज़्यादा के लिए बोला था उसे बोला भाई इतने तो नहीं दे सकते, कम ले ले क्योंकि सबको देना है। इसको कहते हैं प्रोराटा, ठीक है, प्रोराटा कहते हैं इसको। 10 रुपये का शेयर है, पैसे कैसे कैसे आ रहे थे, 10 रुपये का शेयर है, पैसे आ रहे थे ऐसे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। पार का केस सीख रहे हैं अभी हम, पार का, प्रोराटा में पार का केस। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन की, क्या एंट्री सिखाई है कल मैंने आपको इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब जरा दिमाग की बत्ती थोड़ी जला देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू हमने ये सीखा कल शेयर अलाउटमेंट। ये शेयर अलाउटमेंट किस चीज़ को इंडिकेट करता है बेटा, ये शेयर अलाउटमेंट इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो एक्सिस मनी है ना, एक्सिस मनी जितनी भी एक्सिस मनी है वो अलाउटमेंट पे एडजस्ट होगी, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब पैसे किस तरीके से आएंगे अब जरा ये समझिए। ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई भी केस हो, मैंने बोल दिया भाई अप्लाई से ही मल्टीप्लाई होगा, आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, एप्लीकेशन की जो एंट्री है वो अप्लाई से ही मल्टीप्लाई होगा। 12,000 इंटू में 2 तो 12,000 इंटू में, 12,000 इंटू में 2 कितना हो जाएगा बेटा, 12,000 इंटू में 2 ये हो जाएगा आपका 24,000। कितने पैसे आएंगे, ये आएंगे बेटा आपके 24,000, ठीक है जी, 24,000, 24,000, 24,000, ये तीनों डिजिट आ गई इधर। अब जरा ध्यान से समझिए, उस 24,000 में से कैपिटल के कितने हैं और ये एक्सिस मनी पे कितना अमाउंट आएगा ये आपको निकालना है। आपको पहले जरा ये शेयर अलाउटमेंट का किस तरीके से निकलता है आप ये जरा समझिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक्सिस, ये शेयर अलाउटमेंट पे पैसे कैसे जाएंगे बेटा, शेयर अलाउटमेंट पे पैसे डलते हैं जहाँ जहाँ प्रोराटा हो रहा होता है, जहाँ जहाँ प्रोराटा हो रहा होता है वहीं से पैसे निकलते हैं। कैसे, एप्लीकेशन कितने की है बेटा, 2 रुपए की। पहले देखिए प्रोराटा कहाँ हो रहा है, एक तो ये हो रहा, एक ये हो रहा। 7,000 वालों को 6,000 शेयर मिले,
कितने एक्सेस हैं यहाँ पे, 1000। कितने एक्सेस हैं यहाँ पे, 1000 पहले वाले केस में। तो बेटा 1000 शेयर एक्सेस हैं, 1000 शेयर एक्सेस हैं इनटू में एप्लीकेशन कितनी है, 2 रुपए की। तो 1000 इनटू में दो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। और कहाँ हो रहा है प्रोडाटा, यहाँ पे 5000 वालों को 4000। यहाँ पे भी कितने शेयर एक्सेस हैं, यहाँ पे भी 1000 शेयर एक्सेस हैं, 1000 इंटू में दो कितना हो गया, 2000। तो दो जगह प्रोराटा हो रहा है, जहां जहां प्रोराटा हो रहा होगा वहां पे आप यही हरकत करनी है। जैसे 7 में से 6 गया कितना आया, 1000, 5 में से 4 गया कितना आया, 1000, और 1000 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है जितने की एप्लीकेशन है। कितने रुपए की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 2 रुपए की। ये हो गया आपका टोटल कितना, ये आ गया टोटल आपका 4000, ये आ गया आपका टोटल, ठीक है, 4000 रुपये। अभी तो आप यही समझिए कि कैसे निकालते हैं, जब आप प्रो हो जाओगे इस चीज के अंदर कि कैसे होता है, उसके बाद थोड़ा लफड़ा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी अभी आप प्रो नहीं है, अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए कैसे आया। तो मैं ये समझ गया कि शेयर शेयर अलाउटमेंट पे कितने पैसे आने हैं, शेयर अलाउटमेंट पे 4000 आने हैं, 4000। तो यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, यहाँ पे पैसे आएंगे 4000। ये 4000 कैसे आया है, ऊपर वाला मुद्दा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और कैपिटल में कितने आएंगे, जैसे ऊपर समझाया कितने इशू करे थे, 10000। एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की, तो 10000 इंटू में दो कितना आएगा, 20000। ये 24000 का ब्रेकअप करना है कि कितना पैसा एक्सिस में जाएगा और कितना कैपिटल में जाएगा। तो मैं समझ गया, 20000 इधर और 4000 इधर, आया कैसे वो मैंने आपको समझाया। अच्छा, ये हुई बात बेटा एप्लीकेशन की। अब इस 4000 का मतलब क्या है बेटा, इस 4000 का मतलब ये है जो ऊपर हमने अक्षिता वाली कहानी समझी थी कि भाई अक्षिता के ये 150 रुपये ये जो फालतू पड़े हुए हैं, ये पैसा वापस देना है। तो वो पैसे को हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे थे, अलाउटमेंट पे। तो ये जो शेयर अलाउटमेंट है, यहाँ जो 4000 रुपये पड़े हुए हैं ना, इसका मतलब ये है, ये एक्सिस मनी है, ये मुझे अलाउटमेंट पर एडजस्ट करनी है। जैसे हम अक्षिता के वहाँ पे घटा रहे थे कि भाई अक्षिता तो कंपनी को इतने लेने हैं अलाउटमेंट पे, और 60 रुपये उसके फालतू पड़े हुए हैं, चल अक्षिता इतने पैसे और दे देगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पे करनी है, वो मैं एक एक अक्षिता के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा था, अब यहाँ पे पूरा ऑल ओवर है। अब मैं अलाउटमेंट की एंट्री करता हूँ, अलाउटमेंट की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो ये एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद दूसरी एंट्री होगी, उसके बाद दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। ये हो गई दूसरी एंट्री। अब बेटा अमाउंट जरा ध्यान से समझेंगे, कितने पैसे आएंगे, 5 रुपये की है बेटा अलाउ ओ सॉरी कितने की है अलाउटमेंट, 3 रुपये की है बेटा अलाउटमेंट। और अब अप्लाई का कोई चक्कर नहीं है, किससे मल्टीप्लाई होगी, मैंने बोला भाई अब तो इशू से होगी, इशू से। और इशू कितने की है, क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़राब है और इसमें 1% बैटरी है, ठीक है जी। अब जो है 10000 शेयर हैं, 10000, 10000 इंटू में, 10000 इंटू में 3 कितने पैसे आने हैं, 30000 रुपये आने हैं, 30000। और आएंगे कितने, 30000 आने हैं और आएंगे कितने, अब यहाँ आपको 30 नहीं लिखना बेटा, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 30000 तो आने हैं, लेकिन जो एक्सिस मनी है वो भी तो मुझे एडजस्ट करनी है। 4000 रुपये तो ऑलरेडी आए हुए हैं आपको, ये 4000 कौन से हैं, जो बंदों के एप्लीकेशन पे फालतू रुपया पड़ा हुआ है, वो फालतू रुपया कहाँ पे एडजस्ट करना है, अलाउटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो 30000 आने हैं, लेकिन 4000 तो फालतू है भाई सब बंदों का, तो 4000 तो पहले ही आए हुआ है, तो 30 में से 4 तो आए हुआ है, तो आएगा कब, आएगा कितना, अब आएगा केवल 26000 रुपये। वो जो एक्सिस मनी है, वो एक्सिस मनी इस बैंक वाली एंट्री में आके यहाँ पे माइनस होगी, हमेशा हर केस के अंदर जहाँ जहाँ प्रोराटा हो रहा होगा। प्रीति जी इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है, कैसे वो 4 आए, कैसे वो 20 आया, कैसे ये एंट्री हुई।
आ रही है अभी तो मैं कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप कह रहे हो कि आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये चीज़, अभी तो मैं कर रहा हूँ हलवा लग रहा होगा ये, लेकिन अभी यही क्वेश्चन अगर आप कल लेके बैठेंगे ना तब पता चलेगा ये तो पूरी था। कुछ समझ नहीं आएगा कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या करना है, पैन ही नहीं चलेगा, हिलेगा ही नहीं, और ये फैक्ट है। अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा, अच्छा ये इससे हो रहा है, आया 10,000 × 2, अच्छा ये मनी हो गई यहाँ से, ठीक है हो गया क्वेश्चन। लेकिन आप यही क्वेश्चन कल खुद करने बैठना तब पता चलेगा कि क्या है ये। तनीषा समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। अच्छा अगर यही केस प्रीमियम का होता, 10 वाला शेयर 12 में जा रहा होता तो मैं क्या करता, 3 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, सॉरी 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, ऐसे आ रहे होते पैसे। और जो प्रीमियम का पैसा है ना वो अलाउटमेंट पे आ रहा होता, 3 रुपये की अलाउटमेंट, 3 रुपये की अलाउटमेंट, 2 रुपये की प्रीमियम, अगर ऐसा हो रहा होता तो कौन सी एंट्री में चेंज आएगा, इस वाली में, अलाउटमेंट वाली में चेंज आएगा बस, तो वही कर लेते हैं। और ऊपर एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब पड़ता अगर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे आता। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से हम समझ जाएंगे। अभी हम आगे बुक के क्वेश्चन करेंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझिए। इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री हो जाएगी। 5 रुपये की अलाउटमेंट, 5 रुपये की, तो 10,000 × 50,000 रुपये आने हैं बेटा, जिसमें से प्रीमियम के कितने हैं, 10,000 × 2, 20,000 रुपये प्रीमियम के हैं, और कैपिटल के कितने हैं अलाउटमेंट के, 10,000 × 3, 30,000 रुपये बेटा अलाउटमेंट के, ये एंट्री हो गई। बैंक वाली एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट एंड 50,000 रुपये आने हैं बेटा, 50,000 रुपये आने हैं, लेकिन आएंगे कितने, 4,000 तो ऑलरेडी आए हुए हैं, वो एक्सिस मनी जो ऊपर है शेयर अलाउटमेंट पे, तो आएंगे कितने, आएंगे बेटा 46,000 रुपीज़, इतने पैसे आने हैं, 46,000, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में सुरभि जी? अभी जो आपने सीखा है ये है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर पार और प्रीमियम ये किस तरीके से करते हैं ये आपने समझा। आपने रिजेक्ट वाला केस भी समझ लिया, आपने प्रोराटा वाला केस भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं केस 3 की। ये अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए तो तीसरे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिजेक्ट भी करना है प्रोराटा भी करना है, क्योंकि रिजेक्ट प्लस प्रोराटा इसका नाम है। जैसे कि ABC लिमिटेड एक कंपनी है और उसने कितने शेयर इशू करे हैं, उसने शेयर इशू करे 10,000। एप्लीकेशन कितनी आ गई, अप्लाई कितने हो गए, मान लीजिए अप्लाई हो गए 15,000। तो मैं समझ गया भाई ये जो केस है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का। कहाँ गई यार तनीषा? ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं और 15,000 की एप्लीकेशन आ गई है। हम समझ रहे हैं रिजेक्ट और प्रोराटा में कैसे करेंगे। मान लीजिए अब कंपनी क्या कह रही है, अब कंपनी ये कह रही है कि भाई 3,000 शेयर जो है ना, 3,000 उनको तो जो है ना, उनको तो एक भी शेयर नहीं देना, उनको तो निल, उनको रिजेक्ट कर दीजिए 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजेक्ट। 15,000 शेयर आए थे, 15,000 में कंपनी कह रही है कि 3,000 को तो दफ़ा कर दीजिए, उनको एक भी शेयर नहीं देना, ठीक है जी, उनको दफ़ा कर दिया और उनका पैसा वापस कर देंगे। कितने बचे शेयर बचे 12,000। कंपनी ये कह रही है कि जो 12,000 बचे हैं ना, 12,000 जो बचे हैं उनको 10,000 शेयर दे दो, मतलब जो बंदा 12 शेयर खरीदना चाहता है उसको 10 शेयर दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 वालों को 10 मिल रहे हैं, इट्स कॉल्ड प्रोराटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिजेक्ट भी हो रहा है, यहाँ पे प्रोराटा भी हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड रिजेक्ट प्लस प्रोराटा। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 15,000,
यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया इधर 10,000। ये बनाना सीख लीजिए बेटा, ऐसे ही बनाना है आपको हर क्वेश्चन में, कैसे ये क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। ये पार का केस कर रहे हैं हम अभी, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ऐसे पैसे आ रहे हैं। अब ज़रा देखिए, अब क्या एंट्री होनी है, अब होगी पहली एंट्री, अब होगी पहली एंट्री बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये कौन सा केस है, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा का, तो टू बैंक भी आएगा यहाँ पे और टू शेयर अलाउटमेंट भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि कल ही मैंने आपको तीनों एंट्री समझाई है कि भाई इसमें क्या एंट्रियाँ होती हैं। ये एंट्री मैंने लिखवाई थी अगर आपको याद है तो। अब बात आती है अमाउंट किस तरीके से फिलअप होगा, तो पहले बेटा इसकी मल्टीप्लाई होगी अप्लाई से, अप्लाई से होगी, ऊपर से दो केस करते आ रहे हैं, 15,000 × 2, 15,000, 15,000 × 2, तो 15,000 × 2 30,000 रुपये आएंगे बेटा, 30,000 रुपये, और यहाँ पे भी 30,000, ये तीनों डिजिट सेम होगी, ये आपको समझ ही गए होंगे। अब मुझे ये देखना है इस 30,000 में कितना पैसा कैपिटल का है, बैंक किसको रिप्रेजेंट करता है, कितना पैसा रिजेक्ट का है, शेयर अलाउटमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कितना पैसा एक्सिस मनी है। तो देखिए पहले मैं रिजेक्ट का ही कर लेता हूँ, रिजेक्ट का मतलब होता है बैंक का कितनों को रिजेक्ट कर दिया, तो सिंपल सा है भाई, 3,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, तो 3,000 इंटू में कितने पैसे दिए होंगे उन्होंने, एप्लीकेशन 2 रुपये की है तो 6,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया। शेयर अलाउटमेंट पे क्या आता है, मैंने बोला जहाँ प्रोराटा हो रहा होगा, अभी ऊपर निकालना सीखा आपने, प्रोराटा कहाँ पे हो रहा है, प्रोराटा यहाँ पे हो रहा है बेटा, 12,000 वालों को 10,000 शेयर दिए जा रहे हैं, क्या करेंगे इसको इसमें से घटाएंगे 2,000, और 2,000 इंटू में 2, एप्लीकेशन 2 रुपये की है तो ये कितना आएगा 4,000, तो शेयर अलाउटमेंट पे कितना आएगा पैसा, शेयर अलाउटमेंट पे आएगा 4,000। अब आएगा यहाँ कितने आएंगे, तो आपके पास दो हैं, दो ऑप्शन है, बैलेंसिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 शेयर हैं और 10,000 इंटू में 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,000। बैलेंसिंग करोगे तो भी, जैसे यहाँ 30 है और ये 10 हो गए, तो 30 में से 10 गए तो यहाँ 20 आएगा, क्योंकि इधर का जोड़ इन तीनों के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया बेटा आपका एप्लीकेशन की एंट्री, ये एप्लीकेशन की हो गई। अब बात करते हैं अलाउटमेंट की एंट्री होगी, अलाउटमेंट की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, अलाउटमेंट कितने रुपए की है, अलाउटमेंट है बेटा 3 रुपये की। अब अप्लाई का सीन ख़त्म, सब किससे मल्टीप्लाई होगा, इशू से, 10,000 इंटू में 3, 30,000 रुपये आने हैं, 30,000 आएंगे कितने, 30,000 तो आने हैं, लेकिन जो ये शेयर अलाउटमेंट पे जो ये पैसा होता है, ये एक्सिस मनी को रिप्रेजेंट करता है कि इतना पैसा तो ऑलरेडी आया हुआ है, अब नहीं आने का, ये 30,000 आने हैं लेकिन 4,000 तो ऑलरेडी आया हुआ, जो लोगों ने एप्लीकेशन पे दे रखा है वो एडजस्ट करना है, तो आएंगे कितने बेटा, केवल 26,000 रुपये आएंगे, केवल 26,000। ये हो गई आपकी किसकी एंट्री, अलाउटमेंट की। आपने ये सीखा रिजेक्ट प्लस प्रोराटा, ये एंट्री के मार्क्स हैं बेटा, कि बैंक में कैसे आया, अलाउटमेंट पे कैसे आया। अगर आपको पीछे के दो केस आ गए तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको पता है कि बैंक वाली जो टू बैंक होता है रिजेक्ट में कैसे पैसे निकालते हैं, शेयर अलाउटमेंट पे कैसे पैसे निकालते हैं। अगर बेटा यही केस प्रीमियम का होता, 10 वाला अगर 12 में जा रहा होता और पैसे ऐसे ऐसे आ रहे होते, 2 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, और प्रीमियम का पैसा जो है अगर यहाँ पे एडजस्ट हो रहा होता तो क्या होता, तो इस वाली एंट्री में चेंज आ जाता, तो मैं क्या एंट्री करता, तो मैं एंट्री करता इक्विटी शेयर अलाउटमेंट, इक्विटी शेयर अलाउटमेंट डेबिट टू, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो मैं ये एंट्री करता। और दूसरी एंट्री होती आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलाउटमेंट। अब क्या होता, 10,000, अब कितने की अलाउटमेंट, 5 रुपये की है, 10,000 इंटू में 5, 50,000 रुपये आएंगे बेटा अब आपके पास, 50,000।
लेकिन प्रीमियम के कितने हैं बेटा उसमें से? 20,000। कैसे? 10,000 इंटू में दो, 2 रुपए की प्रीमियम है, और 10,000 इंटू में तीन, 3 रुपए की अलाउटमेंट है, 30,000। लेकिन आएंगे कितने? 50,000 आने हैं, 50,000, ये रहा 50 आने हैं, लेकिन उसमें से चार तो ऑलरेडी आए हुए हैं। कौन से चार? एक्सिस मनी जो है। तो 46,000 रुपीज़ आएंगे आपके पास अलाउटमेंट पे। ये आपने सीखा बेटा आज ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर, रिजेक्ट में पार प्रीमियम, प्रोराटा में पार प्रीमियम, रिजेक्ट प्लस प्रोराटा में पार प्रीमियम। और ये इस चैप्टर का बेस है, पिलर है। प्रीति जी समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है?